हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले हम बेटा क्या देखेंगे? हमें ये पता होना चाहिए कि भाई लीनियर इक्वेशन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स जिनको हम बोल रहे हैं वो वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन दोनों चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हम सिर्फ इसका बेसिक पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखो, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, फर्स्ट टॉपिक लीनियर इक्वेशन होती क्या है। मान लो हमने 9th क्लास का थोड़ा सा, मैं आपको अगर पीछे लेके जाऊं तो उसमें हमने क्या किया था बेटा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनके अंदर क्या है, कोई भी सिंगल वेरिएबल आ जाए या फिर डबल वेरिएबल आए या ट्रिपल वेरिएबल आए, ये तीनों अलग अलग लीनियर इक्वेशन होती है। मान लो मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, सिंगल वेरिएबल की। सिंगल वेरिएबल के अंदर बेटा होता क्या है कि भी मान लो ये है 5x इज इक्वल टू 2। यहां पे वेरिएबल क्या है, विच इज नोट, ये क्या है, जितने भी ये होंगे रियल नंबर्स, ये कोई भी क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स। अब हम यहां पे 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, क्या दे रखी है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहां पे दो वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, x और y। यानी कि हम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, किस किस की, एक्स और वाई की टर्म में हमारी दो वैल्यूज आएंगी। इसीलिए हम इसी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, देखो यहां देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दीज टू वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स क्या होंगे बेटा, एक्स एंड वाई होंगे। ठीक है, यहां पे जो ए और बी दे रखे हैं या फिर सी दे रखा है, ये क्या होंगे हमारे, रियल नंबर्स, ये क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे को ये पता लग गया यहां से कि भाई वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और साथ साथ क्या पता लग गया कि इनके वेरिएबल्स के जो साथ में अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स। हमेशा एक बात याद रखनी है, कंडीशंस होती हैं, वो क्या कंडीशन है, यहां पे लीनियर इक्वेशन की कंडीशन ये होगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कांट बी इक्वल टू 0। कभी भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी हो गई सिंपल कंडीशन किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, इससे आगे देखो हम लीनियर इक्वेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लो, अब यहां पे बेसिकली हम इससे आगे क्या पढ़ेंगे, अगर हमारे को ये बोल रखा है कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस का पेयर आ गया। तो पेयर कैसे होता है उसको देखो, हमारे पास अभी अभी एक इक्वेशन क्या दे रखी थी बेटा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है जो क्या हो गई हमारी, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अगर इसी के साथ हमको क्या दे रखा है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। इन दोनों की इक्वेशन के पेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
ठीक है पता चल गया। इनको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो, अब इनके आगे जो भी टर्म है ये सभी आप नोट कर सकते हैं, ये सभी क्या है रियल नंबर्स। जो सी की वैल्यू है, सी अकेला जीरो हो सकता है, ए अकेला जीरो हो सकता है, बी अकेला जीरो हो सकता है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कांट बी इक्वल टू जीरो। अब लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमारे पास इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, हम कोई भी एक हमारे पास अगर कोई पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, उन डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हम उन डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ग्राफ पेपर के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम बेटा, किसी भी नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, देखो एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू कैसे एक लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। देखो मैंने मान लिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, क्या ये कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है? हाँ ये दो एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि क्यों, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं इसके पास, और ए और बी की वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दे रखी है तो क्या होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वन, क्या आ जाएगी दोनों जगह वन आ जाएगी, ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई, ठीक है। अब यहां से देखो अगर मैं पुट कर दूं एक्स की वैल्यू भी वाई और वाई की वैल्यू भी वन, दोनों की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं बेटा, यहां से वन पुट कर दूं तो क्या आएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू अगर वन है तो ये लीनियर इक्वेशन की सभी कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसी की जगह पुट कर दूं एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू फाइव, ये दोनों वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, x इज इक्वल टू टू एंड y इज इक्वल टू फाइव, तो देखो क्या होगा, टू प्लस फाइव इज इक्वल टू टू, ये क्या आ गया सेवन, सेवन इज इक्वल टू टू, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा कभी भी, इसका मतलब क्या होगा, एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू टू एंड y इज इक्वल टू फाइव द कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है इसका मतलब क्या होगा, हम इस लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जब टू पुट करेंगे उस टाइम पे वाई की वैल्यू फाइव पुट नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप से हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इस चैप्टर में निकालनी है, और साथ साथ उनको क्या करके दिखाएंगे, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अब इन्हीं वैल्यूज को निकालने के लिए बेटा क्या होता है, इन सभी वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे। हम इसमें कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, एक आधा आपको बेसिकली वैसे ही बता देता हूं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। एलिमिनेशन मेथड हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड को भी यूज नहीं करेंगे। मैं आपको अगर फर्स्ट एक्सरसाइज का बताऊं तो उसमें बिल्कुल ही सिंपली मेथड होगा, क्या होगा, हमको एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमको क्या करना है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करना है, मान लो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री एंड फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, ये हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इनमें से क्या करेंगे बेटा, अब हम अगर वो ये बोलते हैं हमको कि दोनों लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को क्या करो आप, डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई की वैल्यूज पे नंबर लाइन के ऊपर इनको दोनों लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करेंगे हम इनको रिप्रेजेंट बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ले रहा हूं टेक इक्वेशन वन, पहली इक्वेशन क्या है, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। अब यहां पे देखो अगर मैं एक्स की कोई भी एक वैल्यू पुट कर दूं तो उससे क्या आ जाएगी, हमारे पास वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू, एक फिक्स किसी भी एक्स की वैल्यू के ऊपर हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, मान लो शुरू में क्या लेंगे हम, पुट एक्स इज इक्वल टू वन,
हमने क्या किया, सबसे पहले x को 1 पुट कर लिया, ठीक है, पुट करो 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया 2, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये यहां पे प्लस है, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आया y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक हमारे पास क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया, ये फिक्स क्या पॉइंट आया, यहां से कोऑर्डिनेट जिनको हम बोलते हैं वो आ गया, क्या आया, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी, ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 आ गया हमारा। इस टाइप से हम किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वहां पे किसकी वैल्यू होगी बेटा, याद रखने वाली चीज है बिल्कुल ही, वहां पे क्या होगी, x की वैल्यू होगी, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमेशा y की वैल्यू होगी। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, मैं आपको एक छोटी सी नंबर लाइन बना के दिखाता हूं किस टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो अब हम कोई भी एक, देखो नंबर लाइन में कैसे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारी कोई भी एक ग्राफ पेपर के ऊपर नंबर लाइन, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए क्या कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होगी, या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले ये क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, हमेशा ये क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड इससे बिल्कुल रिवर्स वाली साइड को क्या होगी बेटा, माइनस एक्स एक्सिस, यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, यहां माइनस वाई एक्सिस होगी, और यहां पे क्या होगी, प्लस वाई एक्सिस, इस टाइप से हमको क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट इनकी वैल्यूज, ये हम किसी भी एक फिक्स गैप के ऊपर हम ले सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो कोऑर्डिनेट लीनियर इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हम सभी इसमें क्या कर देंगे, फिक्स वैल्यूज पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देख लिया बेटा, हमने कुछ क्या देखा कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, कैसे हम उसको एक ग्राफ पेपर के ऊपर, एक कोई भी नंबर लाइन के ऊपर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कभी भी ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कौन सी कंडीशन में वो नहीं हो सकती, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कांट बी इक्वल टू 0, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग दोनों पॉइंट्स के आएंगे वो भी हमें पता लग गया, कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं एक फिक्स पॉइंट्स पे, यहां से हमने वो भी देख लिया, ठीक है। तो बेसिकली इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा इस बेसिक पार्ट को ध्यान से देखना, उसके बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। सभी जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जल्दी ही, बहुत ही जल्दी बेटा, हम कंप्लीट सीरीज 10th की मैथमेटिक्स की कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट सिलेबस हम करने वाले हैं, तो आप सभी को ज्वाइन हो जाओ बहुत जल्दी, हम डेली की आज से हमारा टाइमिंग भी फिक्स हो जाएंगे, और हम डेली शाम को 5 बजे नई वीडियो अपलोड कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे, आपका जो भी बच्चे 10th क्लास में है जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप क्या मिल सके, आपको डेली के लेक्चर्स मिल सके, आप डेली के लेक्चर डेली करो, बहुत ही जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड्स में लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू बेटा।